अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? होप सो दैट यू आर गुड एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुभान व तआला। माइसेल्फ मिस्टर विद्या गौहर, योर साइंस टीचर। वेल स्टूडेंट, टुडे आई विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। आई होप दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ योर प्रिकॉशनरी मेजर्स विच यू हैव मस्ट टेक इट, यू हैव टू टेक इट एंड वाइल यू आर गोइंग आउटसाइड और वाइल यू आर एट होम। सो लेट्स मूव आवर टुडेज लेक्चर, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। सो ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 61। हेयर वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 9 यस्टरडे। ओके, कल हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ द टॉपिक विच आई हैव टॉट यू यस्टरडे। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं टॉपिक का जो हमने कल स्टार्ट किया था, कल कंप्लीट किया था। ओके, योर चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट फोर्स एंड मोशन एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट फोर्स इज एंड व्हाट इज मोशन। ओके, फोर्स इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क एंड यू आर अनएबल टू डू वर्क विदाउट एनर्जी। ओके, इन अदर वर्ड इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एंड व्हाट इज मोशन? इन रिस्पॉन्स ऑफ फोर्स द थिंग्स, द स्टेशनरी थिंग्स स्टार्ट्स टू मूव। ओके, मतलब मूवमेंट में आ जाती हैं आपकी स्टेशनरी थिंग्स, दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन। ओके, नाउ हेयर वी हैव द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, कम ऑन पेज नंबर 62। The effects of force are mentioned here. Force can change the shape and size of an object. Force can make a stationary object move and force can stop or slow down moving objects. These are the common effects of force. The force has falling effects. Okay. Then we have seen the Newton law of motion. Newton's ka law dekha tha humne and we have seen that Newton law we state that for every action there is equal and opposite reaction. Then we have seen what action is and what is reaction. Action is the impact of one body to another, the impact which is putting by one object to another, and response is the another body response to the first one. Means to say, I have given you the example of tennis ball. If you hit a tennis ball towards wall, the wall also hit the ball in opposite direction. Action and reaction acts on opposite direction and they do not act on the same body. Okay, action agar ek body apply kar rahi hai to reaction dusri body ka pehli body ke liye hoga, theek hai? Aur dono ki jo डायरेक्शन है मूवमेंट की वो डिफरेंट है। ओके, वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग एज वेल एंड कम ऑन पेज नंबर 63। आई हैव गिवन यू दिस एक्टिविटी टू डू, मैंने आपको ये एक्टिविटी करने के लिए दी थी। आई होप सो दैट यू हैव एटलीस्ट यू हैव ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी। इफ यू हैवन डन येट सो डू इट टूडे। ओके, ये एक्टिविटी लाजमी कीजिए, इट विल मेक यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट मोर। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करेगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट। एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यस्टरडे विद द एग्जाम्पल ऑफ अ टेनिस बॉल दैट इज हिटिंग अ बॉल। But here we will take another example and explain it. I'm gonna read reading करने लगी हूँ, so watch carefully. There are many examples of action and reaction. Action और reaction की बहुत सारी मिसालें हैं. Consider a book lying on the table. मिसाल ले लें, एक किताब है जो टेबल पे पड़ी हुई है. Why does it remain stationary? वो रुकी हुई क्यों है, स्टेशनरी पोजिशन में क्यों है? Why does it not fall down? वो गिरती क्यों नहीं है? Due to its weight, अपने वजन की वजह से। The reason is that
द बुक एक्सर्ट अ फोर्स डाउनवर्ड बुक डाउन देखिए हियर इज ए एग्जाम्पल फोर्स क्या है बुक की डाउनवर्ड मूव कर रही है मतलब डाउनवर्ड पुश कर रही है बुक को इक्वल टू इट्स वेट ऑन द टेबल किसके इक्वल है उसका वेट जो टेबल पे है डाउनवर्ड जो बुक की पुश है उसका वेट इक्वल है टेबल के वेट से तो टेबल एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टेबल पे उतनी ही फोर्स लगा रहा है ऑन द बुक बुक पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखिए बुक है बुक का वेट है एवरीथिंग हैज मास ओके हर चीज का मास होता है ठीक है मैटर हैज मास मैटर्स का मास होता है ओके आप देखिए इट इज अ सॉलिड थिंग सॉलिड हैव मास अब ये वेट एग्जर्ट कर रहा है टेबल पे बट टेबल बेस पर वेट एग्जर्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में बुक नीचे की तरफ वेट डाल रही है और आपका टेबल ऊपर की तरफ उसे पुश कर रहा है तो जिसकी वजह से ये वेट बैलेंस हो गया और बुक स्टेशनरी पोजिशन में है जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो कोई भी मूवमेंट नहीं होती थिंग्स स्टेशनरी पोजिशन में आ जाती हैं ओके थिंग कैन यू टेल विच फोर्स इज द एक्शन कौन सी फोर्स एक्शन है ऑन विच बॉडी इज दिस एक्टिंग और किस बॉडी पर वो मतलब एक्ट कर रही है विच वन इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन और कौन सी फोर्स रिएक्शन है एंड ऑन विच बॉडी इज दिस एक्टिंग और किस बॉडी पर वो एक्ट कर रही है ठीक है कौन सी फोर्स एक्शन है बुक जो लगा रही है फोर्स टेबल पर वो एक्शन है और टेबल जो दे रहा है वो उसका रिएक्शन है बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बुक की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड और टेबल का डायरेक्शन क्या है अपवर्ड द नेट फोर्स ऑन द बुक इज जीरो नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स बुक पर क्या हुई जीरो बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू इट्स वेट यानी कि जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है वो बुक के वेट की जितनी है एक्टिंग ऑन इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जो बुक का वेट उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो फोर्स और जो टेबल फोर्स लगा रहा है बुक पर वो दोनों क्या है इक्वल है दिस इज व्हाई ये वजह है द बुक रिमेन स्टेशनरी बुक स्टेशनरी रहती है हिलती नहीं है अपनी जगह पर एज आई टोल्ड यू बैलेंस फोर्सेस डू नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट आपकी जब फोर्स बैलेंस हो जाए तो वो चीज़ों को मूव नहीं होने देती लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बुक दोनों साइड से एक जैसा वेट है ऊपर भी उतना ही है आपका फोर्स और डाउनवर्ड भी उतनी ही फोर्स है तो वेट बैलेंस हो गया लेकिन अगर इस टेबल पर अगर आप वुड का टेबल ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ रख देते हो जिसका वेट आपका टेबल बर्दाश्त नहीं कर पाता यानी कि उसकी डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है और टेबल के अपवर्ड फोर्स इक्वल नहीं है तो टेबल क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा Now come on page number 64 use of action and reaction okay ये forces तो हैं but इसका use क्या है मतलब कहाँ कहाँ use हो सकती हैं we take many advantages of the principle of action and reaction principle जो असूल है यानी कि action और reaction की forces जो work करती हैं उससे हम बहुत सारे advantages ले सकते हैं whether you are on the land अगर आप चाहे आप जमीन पर हैं in the water आप पानी में हैं और इन एयर चाहे आप हवा में हैं योर फॉरवर्ड मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्शन एंड रिएक्शन आपके आगे की तरफ जो मूवमेंट है हरकत है वो पॉसिबल नहीं है किसके बिना एक्शन एंड रिएक्शन के बिना यानी कि ना आप चलोगे ना ही जमीन आपको पुश करेगी और ना ही आप आगे जा सकते हो मीन्स फॉरवर्ड मोशन आगे की तरफ हरकत हेयर नंबर वन इज स्विमिंग While swimming के दौरान you push the water backward, आप पानी पीछे की तरफ धकेलते हैं with the help of your hand, अपने hands की मदद से and feet और पाओं की मदद से As a reaction के तौर पर the water pushes you forward, पानी आपको आगे की तरफ धकेलता है देखें आपने hand और feet की मदद से action किया पानी को पीछे push किया और आप आगे की तरफ move करें ठीक है ये यहाँ पर था तो एटलीस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा आगे ज़्यादा जाएगा और किनारे तक चला जाएगा अगर स्विमिंग पूल है तो आपने अगर स्विमर्स को तैरते हुए देखा है ठीक है तो आप ज़रूर देखिएगा नहीं देखा तो गूगल कर लीजिए यूट्यूब सर्च कर लीजिए तो आप देख लेंगे कि एक जगह से वो दूसरे कॉर्नर तक कैसे मूव करता है नेक्स्ट मोशन ऑफ बोट एंड शिप शिप और बोट्स की मोशन द बोट एंड शिप आल्सो मूव इन द वाटर बोट और शिप्स भी क्या करते हैं पानी के अंदर चलते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन
एक्शन और रिएक्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए. इन द बोट, बोट में द बोटमैन पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद हिज ऑर्स. द रिएक्शन ऑफ द वाटर मूव्स द बोट फॉरवर्ड. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ बोट. देखिए, ओके, द बोटमैन पुशिंग द वाटर बैकवर्ड एंड द शिप इज मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, ये पानी को पीछे पुश करेंगे और बोट आपकी आगे मूव करेगी. There is a propeller fan at the rear of the ship which is turned by a powerful engine. The propeller pushes the water backward. The reaction force acting on the ship causes it to move forward. Okay, अगर हाथ के चप्पू यूज नहीं कर रहे तो आप देखेंगे कि कुछ ships होती है, जो छोटे ships होते हैं उसमें fan लगा होता है, propeller लगा होता है, fan को propeller कहते हैं. ठीक है, वो क्या करता है, पानी को बैकवर्ड फेंकता है जिसकी वजह से आपकी शिप आगे की तरफ मूव करती है. ठीक है, ओके. नाउ द थर्ड वन इज मोशन ऑफ एन एरोप्लेन. एरोप्लेन की हरकत. लाइक शिप, शिप की तरह एन एरोप्लेन आल्सो हैज प्रोपेलर. एरोप्लेन में भी प्रोपेलर्स लगे होते हैं, फैंस लगे होते हैं, विच आर टर्न ऑन बाय द इंजन, जो इंजन से चलते हैं. द प्रोपेलर ऑफ एन एरोप्लेन आर सो डिजाइन, यानी कि एरोप्लेन के जो फैंस और प्रोपेलर हैं वो इस तरह डिजाइन किए गए हैं दैट दे पुशेस द पुश द एयर बैकवर्ड. वो एयर को पीछे की तरफ धकेलते हैं विद अ लार्ज फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ. एज अ रिएक्शन, रिएक्शन के तौर पर द एयर मूव्स इट फॉरवर्ड. एयर आगे की तरफ मूव करती है विद एन इक्वल लार्ज फोर्स, उतने ही लार्ज फोर्स से, यानी कि हवा पीछे फेंकी जा रही है और आपका जो एयरप्लेन है, एरोप्लेन है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है. द फोर्स एक्टिंग ऑन द एयर हेयर इज द एक्शन फोर्स. जो फोर्स जेट सॉरी आपका एरोप्लेन पुश एयर को पुश करने के लिए यूज कर रहा है वो एक्शन है, और एयर आपके एरोप्लेन को आगे मूव करने के लिए हेल्प आउट कर रही है वो क्या है, रिएक्शन है. ओके, यहाँ प्रोपेलर्स लगे होते हैं. ठीक है, एरोप्लेन अगर आपने देखा हो तो यहाँ फैंस लगे होते हैं. ठीक है, बड़े बड़े, तो वो क्या है, प्रोपेलर्स हैं जो एयर को पुश करते हैं और एयर रिएक्शन के तौर पे क्या करती है, प्लेन को आगे मूव करने देती है. ओके स्टूडेंट्स, इसकी जस्ट एक एग्जांपल ले लें. जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के आपको आगे की तरफ जाना पड़ता है. ठीक है, लाइक अगर आपने यूट्यूब पर कभी देखा हो, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं. ठीक है, स्ट्रॉम आते हैं, जो विंड स्ट्रॉम्स आते हैं, तो उसमें हवा इतनी तेज़ होती है कि आप उसमें मूव नहीं कर पाते. ठीक है, यानी कि आपको फोर्स लगानी पड़ती है. क्यों, एयर के अगेंस्ट फोर्स लगाओगे तो आगे मूव होगी. जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा आगे मूव करोगे. ठीक है, यानी कि फोर्स यूज़ करनी पड़ती है तभी मोशन पॉसिबल होगी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. बिफोर एंडिंग द वीडियो टेक अ रिकैप ले लेते हैं. हमने देखा फोर्स क्या है एंड वी हैव सीन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट मीन्स दीज फोर्सेस आर इक्वल बट वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी वो उस डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी. लाइक अगर आपकी कार आप अगर चलाना स्टार्ट करते हो तो कार के मूवमेंट अगर और आप उसे स्टॉप कर रहे हो तो आप पे इतना फोर्स नहीं है कि आप चलती हुई कार को रोक सको, तो कार फर्दर फॉरवर्ड मूव करती रहेगी. बट अगर आप एग्जांपल ले लें बेबी प्रॉम की, ठीक है, आप उसे पुश कर रहे हो या फिर वो कोई और उसे पुश कर रहा है, लेकिन आप उसे एक बेबी पुश कर रहा है तो आप उसे रोकना चाहो तो आप रोक सकते हो बिकॉज यू हैव एनफ फोर्स. ओके, और आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे. ठीक, तो आपकी जो एक्शन और रिएक्शन क्या है, इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. इक्वल कब होंगी, जब थिंग्स स्टेशनरी होंगी, कोई चीज़ रुकी होगी, स्टैगनेट पोजिशन में होगी. ठीक है, स्टेशनरी पोजिशन में होगी, देन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी. बट अगर कोई चीज़ मूवमेंट में होगा तो तब इक्वल नहीं होंगी. हाँ, इक्वल इस तरह हो सकती हैं कि मतलब जितनी फोर्स आप उस पर लगा रहे हो उतना ही रिटर्न में वो फोर्स लगा के आपको उतना ही आगे मूव कर रही है. ठीक है,
देन वी हैव सीन द यूजेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. हमने एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की यूजेस देखे. हमने देखा कि स्विमिंग में यूज होती है. हमने ये देखा कि बोट एंड शिप की मूवमेंट में यूज होती है. ठीक है, और उसके बाद हमने देखा एरोप्लेन की मोशन में भी आपकी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस यूज होती है. ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फी अमान अल्लाह.